बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिप्पर इस वक्त मौजूद है। न्यूज रूम लाइव में आज शुरुआत करेंगी एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा, जिसको लेकर आज बातचीत होगी और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये 3 दिवसीय अमेरिका दौरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का है, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। 3 दिन ये मोदी अमेरिका में रहेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी मिलेंगे और कई सारे मुद्दों पर बातचीत होनी है, क्योंकि क्वाड 4 देशों का हिस्सा हो, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 देश होते हैं और उन 4 देशों के मुखिया इस सम्मेलन में मौजूद होंगे, जिसका अहम मकसद भी होता है, जिसके साथ मकसद के साथ उसका गठन 2007 में हुआ है और 2007 के बाद कुछ सालों के लिए इसे रोका गया, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा ये सक्रिय हो गया। इस साल भारत के अंदर इसकी मेजबानी होनी थी, लेकिन अमेरिका के आह्वान पर भारत ने क्वाड को अमेरिका में भी इसमें मेजबानी करने की बात की और 2025 में अब क्वाड जो है भारत में होगा, उसमें मेजबानी होगी। लेकिन सबसे पहले आज का जो ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है, कई मायनों में इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई एंगल से इस दौरे को देखा जा रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान को की जो द्विपक्षीय व्यापारिक गतिविधियां हो या व्यापारिक संबंध हो, या बाकी अन्य क्षेत्र हैं, डिफेंस का क्षेत्र है, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको मजबूत बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जा सकती है, उसको लेकर भी ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं, यानी कि 23 सितंबर तक अमेरिका में पीएम मोदी रहने वाले हैं और क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये क्वाड शिखर सम्मेलन कुछ इस तरीके की एक समिट मानी जाती है, जिसमें कि 4 देश जो है वो शामिल होते हैं और 4 अलग अलग तरीके से, 4 अलग अलग वेज में इस मीटिंग को जो है वो देखा जाता है। और आपको बता दें कि जो बाइडेन से मुलाकात की जाएगी और कई एजेंडाज पर बात की जाएगी, कई एजेंडाज पर मोहर भी लग सकती है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात शनिवार यानी कि 21 सितंबर को होगी और दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इनमें भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना भी कहीं ना कहीं शामिल होगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और काफी अहम दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका माना जा रहा है। और वहीं पर अगर हम अमेरिका में रह रहे जो इंडियंस हैं, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है कि जो अलग अलग कंट्रीज में इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। इसी के चलते काफी अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह माना जा रहा है। और इनमें से एक समझौता IPEF से जुड़ा है। अब IPEF क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर की बातचीत हो सकती है। उसी के साथ इसी के तहत भारत 2 क्षेत्रों में स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। और इसके अलावा भारत अमेरिका दवा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौता हो सकता है। तमाम कई बड़ी चीजों को लेकर समझौते निकल कर सामने आ सकते हैं। और इसी बीच में आपको बता दें कि 3 दिन यानी 21, 22 और 23 सितंबर तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अमेरिका रहने वाले हैं और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। काफी देर बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अपना 3रा कार्यकाल संभालने के बाद, यानी कि मोदी 3.0 सरकार आने के बाद पहला दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिल रहा है। तो आप इस दौरान सुनिए। Well, first of all, we're very excited he's coming. I mean, obviously, India is a major voice on the world stage, a major voice of the global south. And one huge purpose of this summit is actually to really try to make sure that international cooperation represents and serves the people of the global south much more effectively than it has been doing so far. So whether that's on Security Council reform and looking at you know how the Security Council functions or how the international financial architecture functions, India has been a huge voice in pushing for the kinds of change that this summit hopes to deliver.
and we're very excited that the Prime Minister is coming and will be that voice. Well, Modi and Us is really about India and us. It's a celebration of the Indian American diaspora, our love for our homeland, and also for the U.S.-India partnership. You know, the Indian diaspora is part of India's soft power. We are the cultural ambassadors of an ethos that really exemplifies unity in diversity. So we would like to know about the capacity, how many people will be there, Indian diaspora will be here in this particular this place, and what will be the highlights? Absolutely. Well, the response to the program was overwhelming, and I think overwhelming is an understatement. We have capacity for about 13,000 people. This summit has been the talk of the town here at Ajmer, and I think it's great that Joe has decided to do this at his old high school. I have a personal connect with the Bidens. My dad went to high school with Bo Biden, Joe's son. I think it's great that he chose this city, and it's all everybody's been talking about, and everyone's really excited, and the great ideas that the different world leaders are bringing and sharing at this special place. तो आप सुन रहे थे लोगों की प्रतिक्रियाएं, ये प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या क्या लोग कह रहे हैं, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं कूटनीतिक स्तर पर, वो काफ़ी अहम मानी जाती हैं, और ग्लोबली अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को काफ़ी ऊपर उठाया है। तो फिलहाल इस वक्त ताबिश कमाल हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं। ताबिश, प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय दौरा और आज वो रवाना हो चुके हैं, इस दौरे को लेकर कितनी उत्सुकता अभी है? भारतीयों में तो है ही है, लेकिन भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनके अंदर भी है, और ये दौरा कुल मिलाकर 3 दिवसीय जो है वो कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए शीतल, बिल्कुल 2004 में जब पूरा दुनिया जो है सुनामी से प्रभावित हुई थी, उस वक्त क्वाड का गठन किया गया था। जापान के जो राष्ट्रपति थे उस पर शिंजो आबे, उन्होंने 2004 में 4 देशों में मिलकर जो तटीय देश प्रभावित हुए थे उस वक्त द क्वालिटी का गठन किया था, इस पूरे क्वाड का गठन किया गया था। और 2004 से 2010 तक काफी ज्यादा बहुत अहम बैठकें हुई, लेकिन चीन ने चूंकि ऑस्ट्रेलिया पर एक प्रतिनिधित्व अपना स्थापित किया और ऑस्ट्रेलिया मजबूरन पीछे हुआ, उसके बाद कुछ दिनों तक बैठकें नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर चारों देशों ने फैसला किया और एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ। और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए, और ये बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, चूंकि चार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क एक छत के नीचे बैठेंगे और कई चीजों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने देखिए जाने से पहले एक्स यानी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, इस यात्रा का सीधा असर भारतीय और भारतीय मूल और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा, साथ ही वैश्विक हमारा व्यापार जो है उस पर बढ़ावा मिलेगा, उसके अलावा शांति सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही अपने एक्स पर यह भी लिखा है कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित है अमरीकी भारतीय मूल के नागरिकों से मिलने के लिए, यानी कि ये पहली बार नहीं है जब भारत के प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो और वहां पर भारतीयों का बिल्कुल देखिए बड़ी चीजें तो होंगी। क्वाड की मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होगी जो सभी देशों के प्रमुख हैं, जो बाइडेन से मुलाकात होगी, लेकिन बेसिक जो मुद्दे हैं खास तौर पर आपसी व्यापार के मुद्दे जो हैं, आपसी कैसे व्यापार और बढ़ना चाहिए, रिश्ते कैसे मजबूत होने चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, क्या उन पर भी मोहर लग सकती है? विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह की खबरें जो है वो सामने रखी हैं। बिल्कुल, देखिए शीतल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स के पोस्ट पर इस बात का इशारा दिया है कि किन किन चीजों को लेकर के बातचीत होने वाली है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, शांति, व्यापार, वैश्विक स्थिति, इन सब चीजों का उन्होंने इंडिकेशन दिया है, यानी इन तमाम चीजों पर बात होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि 22 तारीख को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे न्यूजर्सी में, और 23 तारीख को दुनिया भर के तमाम नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री की होगी, यानी कि किसी एक मुल्क के नेता से नहीं बल्कि कई अलग अलग मुल्कों के नेताओं से प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। तो आप समझिए कि जब ये द्विपक्षीय वार्ता होनी है, यानी दोनों तरफ से वार्ता की जाएगी, तो कई बिजनेस के कई बड़े रास्ते खुलेंगे। भारत की हमेशा ये रणनीति रही है 2014 के बाद से, जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, कि देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक और व्यापारिक संबंध मजबूत होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री की आज की यात्रा इस बात
चाहते हो जिस तरीके से क्वाड की मीटिंग में वो शामिल होंगे, तमाम बायलेटरल टॉक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट एजेंडाज पर बात की जाएगी उन उस लिस्ट में क्या कुछ एजेंडाज शामिल हो सकते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए चूंकि ये जो क्वाड बनाया गया था ये तटीय देशों की सुरक्षा शांति व्यवस्था और व्यापारिक संबंध को देखते हुए बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है जिन मुद्दों को लेकर के इसका गठन किया गया था वो मुद्दे। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।